अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और इम्तिहान की तैयारी पर फोकस कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके आने वाले उर्दू के पेपर में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन से मसाइल हैं और उनका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि इस पेपर के दौरान किसी भी स्टूडेंट को फेस करना पड़ती है। मसलन जैसा कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, कौन सा सवाल पहले और कौन सा बाद में करेंगे, टाइम अच्छे से किस तरह मैनेज हो जाए, हर सवाल को प्रेजेंट किस तरह करें कि पेपर चेकर मुतासर हुए बगैर रह ना सके। आखिर में हम बात करेंगे पेपर को किस तरह प्रेजेंट करना है। डियर स्टूडेंट, मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने पूरी तफसीर के साथ उर्दू के पेपर को डिस्कस किया है। मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूँगी आप लोग वीडियो लास्ट में जाकर देखो, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब बच्चों, हम बात करते हैं आपके उर्दू के पेपर की। अब आपको पता है कि आपका जो उर्दू का पेपर होता है वो होता है 100 मार्क्स का। सेम इसी तरह जैसे आप लोगों के बाकी पेपर होते हैं, इंग्लिश का पेपर होता है, दूसरे पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पार्ट इसके अंदर शामिल होते हैं। और 20 मार्क्स का क्या होता है, आपका हिस्सा मरूजी होता है, जबकि 80 मार्क्स का मीन्स कि 80 मार्क्स का आपका हिस्सा इंशाइया होता है। ओके बच्चों, जैसे आपको पता है जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो किस चीज़ का होता है, मरूजी सवालात का। 20 आपको बच्चों MCQs आएंगे, ठीक है, 20 ही इसके मार्क्स होंगे और इसके अंदर कोई भी चॉइस नहीं होगी, आपने सारे के सारे करने होते हैं। अगर हम चेक करें कि इन सवालात की डिवीजन कैसे होती है, मीन्स कि कितने कितने चैप्टर्स में से कितने कितने MCQs आते हैं, तो बच्चों 5 MCQs जो होते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोग आसानी से देख सको। बच्चों 5 MCQs आपको आते हैं असबाक में से, ठीक है, जिसके अंदर आप नसर की तशरीह वगैरह करते हैं उनमें से। बच्चों नेक्स्ट 5 MCQs आपको आते हैं नज़म में से और गज़ल में से। उसके बाद बच्चों आपको 5 MCQs आते हैं, आप ग्रामर के स्टार्ट होने लग पड़े हैं, काफिया के बारे में पूछ सकते हैं, रदीफ के बारे में पूछ सकते हैं, इस्तआरा के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद 5 MCQs बच्चों आपको आते हैं मुजक्कर मोनस के हवाले से, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फाज मुतजाद भी हो सकते हैं, अल्फाज मुतरादिफ भी हो सकते हैं, जुमलों की दुरुस्ती भी हो सकती है, किसी भी तरह के आप लोगों को 5 नंबर के MCQs आ सकते हैं। अब मरूजी सवालात को तैयार करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपनी जो आपकी एक्सरसाइज है उसको अश्तरा कर लें, उसके जो एक्सरसाइज के बैक के ऊपर MCQs गिवन है उनको आप अश्तरा कर लें, ठीक है, आपका वहाँ से पोर्शन भी तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोग ये देखो कि आप लोग जो पास पेपर्स के 5 वाले पेपर्स हैं उनको आप अश्तरा तैयार कर लो, ये आप लोगों के लिए NF होगा। आप लोग उनको अश्तरा तैयार कर लोगे तो आप लोग 20x20 अपने MCQs के अंदर सिक्योर कर लोगे इंशाल्लाह। अब बच्चों बात करते हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट की, मीन्स के इंशाइया सवालात, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है ये, मीन्स सवाल नंबर 2। इसके अंदर बेसिकली क्या करना होता है, आपने नज़म और गज़ल की तशरीह करनी होती है, ठीक है, उन्होंने आपको यहाँ पर शेर दिए होते हैं जिसकी आपने तशरीह करनी होती है। अब क्या होता है, यहाँ पर नज़म की उन्होंने आपको 2 अशार दिए होते हैं, जबकि गज़ल के उन्होंने आपको 3 अशार दिए होते हैं। नज़म के अशार के बारे में बेसिकली क्या होता है कि आप इनको इकट्ठे भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप लोगों को दिल करते आप लोग कर सकते हो। क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया था, बेसिकली जो नज़म होता है उसका एक ही थीम होता है, ठीक है, बरसात की बहार है तो पूरे नज़म के अंदर उन्होंने बरसात का ही जिक्र किया होगा, ठीक है, कोई उन्होंने महबूब की अदाएँ या कोई और चीज़ डिस्कस नहीं की होगी, तो इस तरह आप नज़म के जो अशार होते हैं उनको इकट्ठे कर सकते हो। अब इसके अंदर बेसिकली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेक करें तो किस तरह होती है, आपने बच्चों शायर का नाम भी लिखना होता है और नज़म का नाम भी लिखना होता है, ठीक है, इन दोनों का एक एक नंबर होता है और बाकी नंबर जो होते हैं वो आपकी तशरीह के होते हैं। मैंने इससे पहले वीडियो बनाई कि आप लोग वीडियो लास्ट में जाकर देखो क्योंकि कितनी आप लोगों ने सब लोगों की तशरीह करनी है, कितने आप लोगों के पेज जो होते हैं वो होने चाहिए। अब अगर बात करें हवाला जात की, तो बच्चों एटलीस्ट आपकी तशरीह के अंदर 2 से 3 हवाला जात एक पेज के ऊपर होने चाहिए, मीन्स के कोटेशन वगैरह आप लोगों की जब कोई आयात है, अकवाल हैं, कोई शेर हैं, आपके पेज के ऊपर एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है। अगर बच्चों गज़ल की बात करें तो आपको पता है गज़ल के आप लोगों को 3 अशार दिए जाएंगे, ठीक है, सेम इस तरह इसके अंदर आपने गज़ल का नाम नहीं लिखना होता, ठीक है, आपने सिर्फ क्या लिखना होता है कि इसका शायर कौन है, ठीक है, किसने इसको गज़ल को लिखा हुआ है, लिखा है किसने, ठीक है, एक नंबर उसका होता है। अब बाकी जो नंबर होते हैं वो आपके किसके होते हैं, गज़ल के। अब गज़ल के लिए क्या है कि आप लोगों ने अलग अलग इसकी तशरीह करनी होती है, इनकी इकट्ठी तशरीह नहीं करनी होती क्योंकि हर गज़ल का जो होता है वो मफहूम अलहदा होता है शेर का, ठीक है, हर गज़ल के अंदर हर शेर के अंदर अलग अलग उन्होंने बात डिस्कस की होती है। अगर एक के अंदर वो अल्लाह पाक की बात कर रहे हैं, अगले के अंदर हो सकता है वो किसी और चीज़ की बात कर रहे हो, तो आप लोगों ने गज़ल की जो अशा की तशरीह होती है वो अलग अलग करनी होती है। और गज़ल की तशरीह के लिए भी सेम बच्चों वही पैटर्न है कि आप लोगों ने एटलीस्ट 2 से 3 हवाले जात एक पेज के ऊपर तो आप लोगों के आने चाहिए। अब बच्चों आपने इस सवाल को अच्छे से मैनेज करना है, स्टूडेंट इस सवाल में गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके जो बाकी पेपर होता है वो रह जाता है, ठीक है, उसके अंदर टाइम उनसे मैनेज नहीं हो रहा होता है और बहुत कम उनके लिए टाइम बचता है। आप लोग ने कोशिश करनी है कि आप लोग 25 से 30 मिनट तक, कोशिश नहीं बल्कि करनी, आप लोगों ने इस चीज़ को मैंडेटरी करना है, फर्ज करना है कि आप लोगों ने आधे घंटे के अंदर अपने नज़म और गज़ल के अशार की तशरीह जो है वो कम्प्लीट कर देनी है, ठीक है।
अब बच्चों आप लोगों के जो इंशाया सवालात है उसका ही पार्ट टू है, मीन्स कि हिस्सा दो में। अब इसके अंदर बेसिकली क्या आता है, इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर आप लोगों ने करनी है असबाक की तशरीह, जो आपकी नसरी असबाक हैं उन्होंने आपको उनमें से दो पैराग्राफ दिए होंगे, ठीक है। 3 से 4 लाइनों के ऊपर दो दो पैराग्राफ होते हैं, ठीक है। दो पैराग्राफ उन्होंने आपको दिए होंगे और आप लोगों ने क्या करनी होगी, सिर्फ एक की तशरीह करनी होगी, ठीक है। 15 नंबर का आप लोगों का ये पार्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा हैवी मार्क्स कैरी कर रहा होता है, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह करना है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने 3 से 4 लाइनें आप लोगों को दी होंगी। अब इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या होता है, 2 नंबर जो होते हैं वो होते हैं हवाला मतन के, ठीक है। अब हवाला मतन के अंदर आप इसके मुसनफ़ का नाम लिख सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने लिखना होता है हवाला मतन के अंदर, चैप्टर का नाम लिखना होता है, इसके मार्क्स लिखने होते हैं, कहाँ से इस चैप्टर को निकाला गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है। और उसके अलावा बच्चों आप लोगों के 3 नंबर जो होते हैं वो होते हैं सियाको सबाक के, और बाकी 10 नंबर किस चीज़ के होते हैं, वो आपकी तशरीह के होते हैं। अब तशरीह के लिए बच्चों कम अज़ कम आप लोगों ने 4 सफ़ात की तो करनी है, ठीक है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था 4 सफ़ात किस तरह होते हैं, 1 साइड ऑफ पेज, 2nd, 3rd and 4th, कम अज़ कम 4 सफ़ा तो आप लोगों की तशरीह होनी चाहिए। ज़्यादा आप लोग 5 के भी कर सकते हो, 6 के भी कर सकते हो, वेल एंड गुड, ठीक है। जितनी आप लोग कोट्स, अकवाल, अशार लिखोगे अपनी तशरीह के अंदर, उतनी ही आप लोगों की तशरीह जो होगी वो अच्छी होगी, ठीक है। बार बार रेपिटेशन नहीं करनी वर्ड्स की, यूनिक वर्ड्स आप लोगों ने यूज़ करना है, खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने अपनी तशरीह जो है वो अटैम्प्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चों बात करें, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों वो आता है आपका खुलासे के बारे में। यहाँ पर बेसिकली उन्होंने आपको 2 खुलासे दिए होते हैं, कोई से 2 अनवान चैप्टर्स के दिए होंगे, सपोज आपको परस्तान की शायद हो सकता है, पलीफ अता दिया हो सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। आप लोगों ने करने 2 अनवान आपको दिए होंगे और आप लोगों ने सिर्फ 1 अटैम्प्ट करना होगा, ठीक है। और आपके 10 नंबर का जो होता है वो 1 खुलासा होता है, ठीक है। अब जो टोटल आपके इसके 10 नंबर होते हैं, आप लोगों के लिए मैंडेट्री है कि आप लोगों ने मुसन्निफ़ का नाम लाजमन लिखना है, ठीक है। उसके नंबर होते हैं, 1 नंबर जो होता है वो आपके मुसन्निफ़ का नाम का होता है, बुक का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, कहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया उसके नंबर होते नहीं, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसके जो मुसन्निफ़ का नाम है वो लिखना है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों मैं आपको बता दूँ, वो ये कि आप लोगों ने कहानी की तरतीब का ख्याल रखना है, किस तरह कि जो बातें पहले हो रही हैं उसको पहले लिखना है, जो बातें बाद में हो रही हैं उनको बाद में लिखना है, कहानी को मिक्स नहीं करना है। आप लोगों के जिन में कहानी होनी चाहिए कि पहले ये बात हुई थी, फिर ये बात हुई थी, फिर ये बात हुई थी, ठीक है, इनको तरतीब से लिखना है। और अगर हम बात करें कि कितने पेजेस के ऊपर होना चाहिए, तो कम अज़ कम आप लोगों की जो इसका खुलासा है बच्चों वो 2 पेजेस का तो होना चाहिए। 2 पेजेस के खुलासे की बात ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आप लोग इसके अंदर लंबी लंबी गप्पे लगाओ, वैलिड लिखना चाहिए, टू द पॉइंट लिखना चाहिए, कम्पैक्ट लिखना चाहिए, ठीक है। ताकि जो एक बंदा है, सपोज आप लोग इसे समझ लो कि आप लोग ने एक तरह से रिव्यू लिखना है खुलासे का, ठीक है, ताकि जो अगला बंदा वो देखे, स्टोरी को देखे, तो उसको समझ आए कि हाँ इसके अंदर बात का की गई है। तो बेसिकली खुलासे का मतलब यही होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ही आप लोग ने बीच में डालनी, ठीक है, ये इस चीज़ का आप लोगों ने क्या रखना है। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब नज़म का खुलासा आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, नज़म का खुलासा, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली बच्चों क्या होता है कि आप लोगों को उन्होंने एक ही खुलासा दिया होता है, इसके अंदर कोई भी आप लोगों को कंसेशन नहीं होता है, आप लोगों ने एक ही करना होता है, ठीक है। 5 नंबर का बच्चों आप लोगों को खुलासा आता है, मेरी तरफ से आप लोगों को यही है कि गाइडेंस जो आती है कम अज़ कम आप लोगों ने 10 लाइन्स के अंदर नज़म का खुलासा लिखा हो। लेकिन अगर सपोज आप लोगों की जो नज़म है बड़ी है, ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है कि वो मैदान करबला में सुबह का मंजर वो काफ़ी लेंथी है, ठीक है, उसके अंदर हो सकता है वो 15 लाइन तक पहुंच जाए, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप उन्हें 10 लाइन तक आप लोगों ने अपना नज़म का खुलासा लिखना है, ठीक है। सेम इस तरह कॉम्पैक्ट हो, कंसाइज हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी गिवन हो बीच में, ठीक है, वर्ड्स आप लोगों ने अच्छे अच्छे यूज़ करने हैं। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 किस चीज़ का होता है बेसिकली बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 होता है आपका मुकालमा का या फिर रुदाद का, 2 चीज़ें आपको आती हैं, अपनी चॉइस होती है, मुकालमा भी कर सकते हो और रुदाद भी कर सकते हो। उन्होंने आपको चॉइस दी होती है कि इसके दो दोस्तों के साथ मुकालमा लिखें या इस चीज़ की रुदाद लिखें। बच्चे जो होते हैं मोस्टली प्रेफर करते हैं किस चीज़ को, मुकालमे को, और मुकालमे के अंदर कंपैरेटिवली रुदाद से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं भी आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग मुकालमा जो है वो लिखो, और इसके टोटल नंबर होते हैं बच्चों आपको 10, और कम अज़ कम मार्क्स के हिसाब से आप लोगों ने इसको 3 सफ़ात के ऊपर लिखना है, ठीक है। 3 सफ़ा तो कम अज़ कम, 4 सफ़ा तो भी जा सकता है, वेल एंड गुड, अच्छा हो सकता है, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। जितना आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर बच्चों आप लोगों ने करना है कोट्स लिखनी है, अकवाल लिखने हैं, शाह लिखने हैं, जितना मुकालमा लंबा होगा, जितना मुकालमा अच्छा होगा, उतने आप लोगों के नंबर आएंगे, ठीक है। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ही बीच में डालनी, लंबे लंबे गप्पे नहीं लगाने लग पड़नी, बहुत आप लोगों ने तरतीब से लिखना है और बहुत अच्छा करके आप लोगों ने मुकालमा प्रेजेंट करना है। अब बच्चों बात करते हैं सवाल नंबर 7 की, मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये किसका होता है? ये होता है दरख्वास्त का
या फिर रसीद का। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज़ आ गई है बच्चों, दरख्वास्त और रसीद के अंदर आप लोगों को चॉइस नहीं होती, ठीक है, आप लोगों को एक ही करनी होती है। और मैंने काफ़ी दफ़ा जो लास्ट टाइम बच्चों के पेपर चेक हुए हैं, बोर्ड के पेपर हुए हैं, उनमें देखा था कि इस दफ़ा उन्होंने रसीद बहुत बार दी है, तो हो सकता है कि आप लोगों को भी रसीद आ जाए। तो आप लोग एक नज़र जो है वो रसीद को लास्ट में देख जाना, दरख्वास्त को आप लोगों ने तो कर लेना अच्छी तरह, दरख्वास्त तो बहुत ईजी होती है, आप लोग आसानी से कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को ये ज़रूर कह रही हूँ कि आप लोगों ने रसीद एक दो बार देख कर जानी है, ठीक है, आप लोगों को रसीद आ सकती है, ठीक है। और आप लोगों को पता है इसमें चॉइस भी नहीं होती और आप लोगों ने एक ही करनी होती, तो इसमें आप लोगों ने क्यों चांस लेना है, ठीक है। तो नंबर आप लोगों के डिडक्ट होंगे, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि रसीद बच्चों एटलीस्ट एक दो बार आप उन्हें पढ़ के जानी है, ठीक है। अब बच्चों बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 8 की, आपका लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 का है वो आता है तलखीस नगारी का। बेसिकली तलखीस नगारी में क्या होता है कि उन्होंने आपको ना एक पैराग्राफ सा दिया होता है, ठीक है, इसका मतलब समझ लो, तलखीस का क्या होता है, उसको आप लोगों ने मुख्तसर करके लिखना होता है, ठीक है, वर्ड्स को चेंज कर सकते हो आप लोग, ठीक है, उसको आप लोगों ने एक कंसाइज करके आप लोगों ने लिखना होता है कि इस पैराग्राफ के अंदर ये बात की गई है। अब क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली अनसीन ही होता है, ठीक है, आप लोगों को एट द स्पॉट बैठ के इसके ऊपर लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको उन्होंने दिया होता है अबारत का अनवान। अबारत का अनवान से मुराद क्या है कि उन्होंने जो आपको तलखीस दी हुई पैराग्राफ दिया हुआ है, आप लोगों ने उसको 2 से 3 बार पढ़ के उसके अंदर से आप लोगों ने क्या करना है, अपना एक टॉपिक उठाना है कि इसका, इस अबारत का ये अनवान हो सकता है। मैं जब थी अपने FSC के अंदर, मैं तकरीबन 2 से 3 अनुमान लिख कर आई थी, ठीक है, जो मुझे सूटेबल लग रहे थे। आप लोग ने भी लिख कर आना है, 2 से 3 आप लोगों को सूटेबल लग रहे हैं तो आप लोग बच्चों आसानी से उसको लिख कर आ सकते हो। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी 2 से 3 आप लोग लिखो। अब बच्चों आप लोगों को उन्होंने 5 लाइनों की सपोज अगर तलखीस दी है, ठीक है, उनकी 5 लाइनें, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 3 लाइनों तक आप लोगों की तलखीस जो है वो कम्प्लीट हो जाए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बच्चों आप लोगों ने यूज़ करने हैं, ठीक है। तलखीस जितनी छोटी होगी, जितने उसके अंदर अच्छे वर्ड्स होंगे, उतने ही बच्चों उसके नंबर आते हैं। 10 नंबर की होती है आप लोगों की तलखीस, ठीक है, 8 नंबर की आप लोगों की तलखीस हो जाती है, और 2 नंबर जो होते हैं वो आप लोगों के किस चीज़ के होते हैं, अनवान के होते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि 2 से 3 आप लोग अनवान लिखो, कि खुदा ना खास्ता अगर ये गलत भी हो रहा है तो बाकी 2 तो ठीक होंगे ना आप लोगों के, ठीक है। बच्चों तलखीस को करने की सबसे बेहतरीन टिप यही है कि आप लोग 2 से 3 बार जो है वो अपने पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ो। 2 से 3 बार पढ़ोगे, ध्यान से कहीं और नहीं देखना, बस स्कीमिंग करनी है, ऊपर ऊपर से देखे आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। रट्टा ही वहाँ लगा के बैठ जाना, उससे आप लोग ज़्यादा अपने आप को कन्फ्यूज़ करोगे। ऊपर से देखे 2-3 दफ़ा आप लोगों ने पढ़ना है और देखना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, उसको अंडरलाइन करते जाना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस टॉपिक के बारे में बात की, इस टॉपिक के बारे में उन्होंने बात की हुई है, ठीक है, इसको अंडरलाइन करते रहना है और फिर उनको साइड पर थोड़ा सा करके लिख लेना है कि ये बात की है, और उसी को फिर आप लोगों ने पॉइंट को इकट्ठा करके एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देना है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की तलखीस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। पेपर पैटर्न के साथ मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने किस किस पार्ट को कितना कितना अटैम्प्ट करना है। इसके अलावा मेरी एक और वीडियो चैनल पे ऊपर अपलोड की गई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोगों ने उसको लास्ट में देखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों के मार्क्स जो है वो अच्छे आए इंशाल्लाह, ठीक है। आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फिर मानेगा।